हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सपना अच्छे से इंग्लिश बोलने का है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही लड़का इस लड़की पे काफी देर से फोन कर रहा था, लेकिन ना तो इसने इसका फोन उठाया और ना ही इसे कॉल बैक की। तो यहाँ पर इसे शिकायत कर रहा है, कह रहा है कि तुम ना तो फोन उठाती हो और ना ही कॉल बैक करती हो। तो दो दफे यहाँ पे ना ना आ रहा है कि ना तो तुम फोन उठाती हो ना ही कॉल बैक करती हो। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नीदर और नोर का। यू नीदर पिकअप द फोन नोर कॉल बैक। यू नीदर पिकअप द फोन नोर कॉल बैक, यानी ना तो तुम फोन उठाती हो और ना ही कॉल बैक करती हो। लगता है तुम मुझे भूल गई हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी। सीम टू हटा दो यहाँ से तो ये हो जाएगा कि तुम मुझे भूल गई हो। यू हैव फॉरगॉटन मी, प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव फॉरगॉटन मी। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लगता है, तो हमने सीम टू का यूज किया। यू सीम टू हैव फॉरगॉटन मी, यानी लगता है तुम मुझे भूल गई हो। हमें लोगों को उनके रंग रूप के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, यानी लोग जैसे दिखते हैं हमें उस आधार पर उन्हें नहीं आंकना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी शुडंट जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, यानी उनका अपीयरेंस देख के हमें उन्हें आंकना नहीं चाहिए। वी शुडंट जज पीपल बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, हमें उनके रंग रूप देख कर उन आधार पर नहीं आंकना चाहिए लोगों को। लोग हमेशा ऐसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। पीपल आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम, यानी लोग हमेशा ऐसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि तुम तो कह रही हो कि सब कुछ ठीक है। यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट। यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, तुम तो कह रही हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। बट आई थिंक यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम अस। वैसे तो हम छुपाने के लिए हाइड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाइड के अलावा हम इसे कैसे बोल सकते हैं। तो हम इसके लिए यूज करेंगे कीप फ्रॉम का, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कीप फ्रॉम, यानी छुपाने के लिए यूज हुआ है कि बट आई थिंक यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम अस, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। यू आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट, तुम कह रही हो कि सब कुछ ठीक है, बट आई थिंक यू आर कीपिंग समथिंग फ्रॉम अस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। उसकी अपने दोस्तों के साथ अनबन हो गई थी। अनबन हो गई थी मतलब बहस हो गई थी, थोड़ी लड़ाई सी हो गई आपस में, जो बहस में हो जाती है। और इसके बदले हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर फॉलिंग आउट का। तो यहाँ पर ही बता रही है कि ही हैड अ फॉलिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स। तो फॉलिंग आउट का ध्यान रखना, अनबन हो जाना, बहस सी हो जाना। ही हैड अ फॉलिंग आउट विद हिज फ्रेंड्स, उसकी अपने दोस्तों के साथ अनबन हो गई थी, फिर वो गुस्सा होकर चला गया। ही देन बिकेम एंग्री एंड लेफ्ट। ही देन बिकेम एंग्री एंड लेफ्ट, फिर वो गुस्सा हुआ और चला गया। ही देन बिकेम एंग्री एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना फॉलिंग आउट का। अब इन्हें कुछ देखो, ये इस तरीके के मूवीज में बहुत यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आई लिव इन लंडन, यानी मैं लंडन में रहता हूँ। तो अगर हम इसके जवाब में बोलना हो कि हाँ मैं भी रहता हूँ, यानी मैं भी लंडन में रहता हूँ, और मुझे कहना हो तो हम कहेंगे सो डू आई, सो डू आई। वो कह रहा है कि आई लिव इन लंडन, यानी मैं लंडन में रहता हूँ। तो यहाँ पर इसके जवाब में कह रही है कि सो डू आई, वो तो मैं भी रहती हूँ। इस तरीके से हम शॉर्ट में जवाब देते हैं। जैसे कि आगे कह रहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसके जवाब में कह रही है कि सो डू आई, यानी मैं भी करती हूँ, सो डू आई। तो देखा कैसे हम इस तरीके से इनका जवाब दे सकते हैं। आई लिव इन लंडन, सो डू आई, मैं लंडन में रहता हूँ, तो कह रही है कि मैं भी रहती हूँ। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, सो डू आई, तो मैं भी करती हूँ। यहाँ पर इससे कह रहा है कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता, आई कांट ड्राइव। ये दोनों कार में बैठ गए पर किसी पे भी ड्राइव करना नहीं आता, कार चलानी नहीं आती। तो कह रहा है कि आई कांट ड्राइव, यानी मैं ड्राइव नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। तो कह रही है कि नीदर कैन आई, मैं भी चला सकती, नीदर कैन आई। इस तरीके से कोई भी निगेटिव में हो तो उसके लिए हम नीदर का यूज करेंगे। मैं उदास था, ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि मैं उदास था, आई वॉज अपसेट। तो कह रही है कि मैं भी थी, सो वॉज आई, सो वॉज आई, मैं भी थी। तो हम सेंटेंस के हिसाब से यहाँ बदलते रहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये कह रही है कि रात पुलिस आई थी और उसे ले गई, यानी कोई इसे परेशान कर रहा था तो पुलिस उसे आकर ले गई, इसने शिकायत की थी। तो बता रही है कि पुलिस केम इन द नाइट एंड टुक हिम अवे। पुलिस केम इन द नाइट एंड टुक हिम अवे, यानी रात पुलिस आई थी और उसे ले गई। फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया, आई फाइनली गोट रीड ऑफ हिम, आई फाइनली गोट रीड ऑफ हिम। फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया, छुटकारा पाने के लिए हमको यूज होता है गोट रीड ऑफ का, गेट रीड ऑफ का। तो यहाँ पर पास्ट में बात चली तो गेट का गोट हो जाएगा। आई फाइनली गोट रीड ऑफ हिम, यानी फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल गया। अगर हमें यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो, कह रहा है कि अगर हम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो, ये कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। तो लड़की से कह रही है कि इफ वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, यानी अगर हम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हैं तो, इफ वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, हमें कुछ सोचना होगा। वैसे तो सोचने के लिए हम थिंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अगर हम बोलें तो बोलेंगे वी हैव गोट टू
कम अप विद समथिंग, वी हैव गोट टू. यहाँ पर हैव गोट टू देख के कन्फ्यूज ना हो जाना, इसका भी मतलब होता है वी हैव टू, यानी वो सेम मीनिंग होती है, बस थोड़ा हम अट्रैक्टिव लगता है इसलिए लगाते हैं कि वी हैव गोट टू. यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं वी हैव गोट टू कम अप विद समथिंग. कम अप विद समथिंग मतलब हमें कुछ सोचना होगा, कोई आइडिया, कोई प्लान बनाना होगा. वी हैव गोट टू कम अप विद समथिंग, हमें कुछ सोचना होगा. अगर हम साथ मिलकर सोचें, तो जब भी हम कहते हैं कि अगर हम साथ मिलकर सोचें, तो हम बोलते हैं इफ वी पुट आर हेड्स टुगेदर. इफ वी पुट आर हेड्स टुगेदर का मतलब है कि अगर हम अपने जो हेड है वो एक जगह करने का मतलब है यहाँ पर कि हम अगर साथ मिलकर सोचें, दो ब्रेन यानी कि तुम्हारा मेरा दिमाग साथ मिलकर कोई सोचें, तो यहाँ पर उसका ये कहने का मतलब है कि अगर हम साथ में मिलकर सोचें, इफ वी पुट आर हेड्स टुगेदर, तो हम कुछ सोच सकते हैं. वी कैन कम अप विद समथिंग, वी कैन कम अप विद समथिंग. कम अप विद फ्रेजल वर्ब, ध्यान रखना यूज हो रहा है इसका, यहाँ पर भी पीछे भी हुआ है. वी कैन कम अप विद समथिंग, तो हम कुछ सोच सकते हैं. ऐसी क्या मजबूरी थी उसे साथ में लाने की? तो यहाँ पर इसने मना किया था कि किसी को साथ में मत ले आना, फिर भी किसी लड़की को अपने साथ ले आया. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट कंपेल्ड यू टू ब्रिंग हर अलोंग. व्हाट कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, किस चीज ने तुम्हें मजबूर कर दिया था, इसलिए व्हाट का यूज किया है, क्या चीज ने तुम्हें ऐसा मजबूर कर दिया था. व्हाट कंपेल्ड यू टू ब्रिंग हर अलोंग, कि तुम उसे साथ में ले आए. ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसे साथ में ले आए. व्हाट कंपेल्ड यू टू ब्रिंग हर अलोंग, तो कह रहा है कि मुझे तो नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है. आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस. I don't think it makes any difference. कह रहा है कि उसके यहाँ आने से मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है. I don't think it makes any difference. हालांकि ट्रेन लेट थी, हम समय पर पहुंच गए. इस इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो द ट्रेन वॉज लेट वी मेड इट इन टाइम. वैसे तो पहुंचने के लिए हम गेट का भी यूज कर सकते हैं, अराइव का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मेक इट का भी यूज करते हैं. जब हम कहीं समय पर पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि वी मेड इट इन टाइम या ऑन टाइम, कि हम समय पर पहुंच गए. वी मेड इट, जोर दे के कहते हैं कि इवन दो द ट्रेन वॉज लेट, हालांकि ट्रेन लेट थी, वी मेड इट इन टाइम, हम समय पर पहुंच गए. इवन दो द ट्रेन वॉज लेट वी मेड इट इन टाइम, हालांकि ट्रेन लेट थी लेकिन हम समय पर पहुंच गए. जबकि आप अराइव का भी यहाँ यूज कर सकते हो और गोट का भी कर सकते हो. आगे कह रहे हैं कि मैं खुश हूं कि हम समय पर पहुंच गए. आई एम ग्लैड वी मेड इट इन टाइम. आई एम ग्लैड वी मेड इट इन टाइम. यहाँ पर मैंने मेड इट का इसलिए यूज किया क्योंकि मूवीज में ज्यादातर जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो इसी तरीके से बोलते हैं. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. ये उठकर कहीं जा रहा था तो कोई इससे कह रहा है कि प्लीज बैठे रहिए. इस इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिमेन सीटेड. प्लीज रिमेन सीटेड, प्लीज बैठे रहिए. प्लीज रिमेन सीटेड. तो काफी देर से बैठा है, ऐसे कुछ खाने को नहीं दिया, तो कह रहा है कि और कुछ नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो. इंग्लिश में बोलेंगे इफ नथिंग एल्स, अगर और कुछ नहीं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी अगर और कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी ही दे दो. लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. कह रही कि मैं इतने बुरे वक्त से भी गुजरी, जॉब की तैयारी में लग रही थी, किसी जॉब की पाना चाह रही थी, उसकी तैयारी में दिन रात इसने कर दिया. एक दफ़े कोई सभी ने इससे उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे बता रही है कि लेकिन मेरे माता पिता ने मुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी. इंग्लिश में बोलेंगे बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी. गिव अप ऑन समवन का मतलब होता है किसी से उम्मीद छोड़ देना, है ना. लेकिन यहाँ पर ही बता रही कि बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर गिव अप नहीं किया, कभी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी. बट माई पेरेंट्स नेवर गेव अप ऑन मी. मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, जो मेरी सफलता का क्रेडिट है वो मेरे माता पिता को जाता है. द क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस गोज टू माई पेरेंट्स. द क्रेडिट ऑफ माई सक्सेस गोज टू माई पेरेंट्स. जो मेरी सफलता का जो शेरी है, जो क्रेडिट है, वो मेरे माता पिता को जाता है. तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है. इट्स द ओनली चांस यू हैव. इट्स द ओनली चांस यू हैव, यानी तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है. इट्स द ओनली चांस यू हैव यहाँ से जिंदा निकलने का. टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव. टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव यहाँ से जिंदा निकलने का. तो कह रहे कि इट्स द ओनली चांस यू हैव टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, यानी यहां से जिंदा निकलने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना. अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आपको लगा कि ये बेहतरीन तरीका है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना. इससे हमें हिम्मत मिलती है और भी इस तरह की वीडियोस बनाने की. सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो जरूर ही कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.